तालिबान क्रूरता बर्बरतार जो माने साक्षी से माने आज अफगानिस्तान छाड़ी अन्य देश में शरण नहीं 20 वर्षर निष्क्रियता परे हठात पूरा दमर सहित सक्रिय होता तालिबान निजकु एबे एक परिवर्तित एवं उत्तम संगठन बोली विश्व दावी करुछि। पूर्व भरी महिला प्रति आउ अत्याचार किंवा शोषण करना आतंकी संगठन कहुची कितु से कथार के सत्यता रही तालिबान निर्यातना सही कि अन्य प्रति तालिबान निर्यातना को देखिता व्यक्ति ही जानी तालिबान बर्बरतार शिकार हो देश छाड़ भारत में आश्रय नहीं किसी लोक तालिबान नकली मुखा पक्षर असली चेहरा को बखाणी आसतु शुणा कौन कहते वो लोग डेड बॉडी के साथ भी मतलब रेप करते हैं या तो उठा के लेके जाते थे या के आके सर पे गोली मार देते थे बस डायरेक्टली शूट करते थे। जैसे कि एक लड़की को कल लेके उठा के लेके गई है और अभी शुरुआत है अभी वो लोग बहुत कुछ करते हैं डे बाय डे दे विल चेंज। वो लोग यही चाहते है कि हमें लड़की चाहिए हर घर से। सारा विश्व सामने तालिबान निजर छवि को भिन्न भाव में उपस्थापन कर तेबे एही मुखा पछर असल चेहरा केते क्रूर से संपर्क में अफगान नागरिक मुस्कान बखाणी तालिबान निर्यातना से निज आखिरे देखी। मुस्कान अफगानिस्तान पुलिस काम करुथिले काबुल्ले मुतयन थिले तालिबान तरफ जीवन रु मारिदेवा सबुबले धमक मिलुथिला। तालिबान भय ने मुस्कान को केवल चाकरी नुहे देश छाड़ा पड़ा। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जब हम वहाँ पे थे हमारे लिए बहुत वार्निंग आते थे कि आप अगर काम पे जाए आपके फैमिली खतरे में है आप लोग खतरे में हैं। लेकिन वार्निंग के बाद एक बार वार्निंग दिया और उसके बाद वार्निंग भी नहीं देते थे या तो उठा के लेके जाते थे या के आके सर पे गोली मार देते थे बस डायरेक्टली शूट करते थे। मुस्कान अबे तालिबान को ठरू हजार हजार किलोमीटर दूर रे सुरक्षित अछंती से सिना देश छाड़ीदे हेले मनरे रही तालिबान डर एजाई जाइनी। तांको सह काम करुवा जड़े पुलिस कर्मचारी जहाँ सबू है देखा पर मुस्कान जीवन बचाईवा देश छाड़ा निष्पत्ति ने सहकर्मी को अपहरण करुष्कर्म पर हत्या करते तालिबान जिते मृतदेह मिलला जना पड़ा जे जड़े कि दुईज नुहति 50 जन तालिबानी राक्षस दुष्कर्म करते एक कथा को मने पकाई एबे भी थरी जाउछंती मुस्कान। एक महीने बाद जो या तो 25-20 दिन के बाद जब उनको डेड बॉडी मिली तो उसके बाद वो लोग डेड बॉडी के साथ भी मतलब रेप करते हैं। ये नहीं कि वो अलाइव है कि वो मतलब मर चुके हैं वो डेड बॉडी के साथ भी रेप करते हैं। कैन यू इमेजिन दिस ये लोग ऐसे है कि इन लोगों का इसके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। ये एक्सपीरियंस यही है कि जब लोगों को मिला उसके बाद जब ये गवर्नमेंट वहाँ पे मौजूद थे फिर भी ये लोग उसको किडनैप करके उसके बाद घर पे डेड बॉडी दिया और बोला कि अगर कोई लड़की पुलिस में काम किया या तो गवर्नमेंट के साथ यही हालत होगी उसके साथ। अफगानिस्तान ऊपर तालिबान कब्जा करने पर सही अफगान नागरिक मैंने अधिक भयभीत जो मान घर झील अच्छी कारण से जानते तालिबानी राक्षसों हाथ में जदि झील पड़े से जीवन बर्बाद होगा सुनिश्चित कारण महिला तो दूर कथा 10-12 वर्ष झील को भी छाड़ना तालिबान 10-12 वर्ष झील को तालिबानी अपहरण कर पाकिस्तान किंवा अन्य देश को तस्करी कर बस वो लोग यही चाहते कि हमें लड़की चाहिए हर घर से या तो हमें लड़की दे दे या तो पूरे फैमिली मर जाते हैं। अभी काबुल में कितने लोग आए हुए हैं प्रोविंस से उनसे अगर आप लोग पूछे कि क्यों आए ये यही बताते हैं कि एक मम्मी ने बताया कि मेरा 18 साल का लड़की उन्होंने मेरे सामने उठा के लेके गए अभी मैं आई हूँ मेरे लड़की को कुछ नहीं पता। 10-12 साल लड़कियों के लेके उठा के लेके जाते हैं। कल एक लड़की लापता है अभी तक कि वो किधर है कहाँ है तालिबान ने लेके गया है। ये मीडिया के सामने बोला है कि हमने चेंज हुआ है हम कुछ नहीं करते ये बस एक दिखावत है। जैसे कि एक लड़की को कल लेके उठा के लेके गई है और अभी शुरुआत है अभी वो लोग बहुत कुछ करते हैं डे बाय डे दे विल चेंज। तालिबान आज जितनी शक्तिशाली होती ता पछरे हाथ रही पाकिस्तान जहाँ फल भोगुंट अफगानिस्तान साधारण जनता छोट छोट छुआ को भी निर्यातन बाद देनी तालिबान
छोट झीं घर उठाई नहीं तस्करी करुछंती कारनामें तालिबान साथ दे पाकिस्तान लड़कियों को दवाई देते थे बेहोश करते थे फिर उसके बाद ताबूत में रखते थे जैसे कि डेड बॉडी है और पाकिस्तान के तरफ लेके जाते थे तालिबान आतंक और सेमानक निर्यातना और सह्य कर नपारी अहमद नामक व्यक्ति निजर भौणी और बापा 2018 रे देश छाड़ी दिल्ली चली आसिले एवं सेठारे ही एबे बसवास करुछंती बापा को अफगानिस्तान पुलिस रे चाकरी करिवार तंड देथिले तालिबान बापा उपरे तीनी थर गुलीमाड़ करथिले तालिबान आतंकी गोटे गुड़ी एबे भी तांको मुंड भितरे फसी रही शरीर अधा अंश काम करूनाही भारत आसिबा कारणरु उभय भाई भौणीक पाठ मध्य अधारे रहिगला पापा के गोली मार दिया सर पे फिर उधर बहुत ज्यादा सब जान का खतरा है ना मेरा भैया बहन सब उधर जान का खतरा है इसके खातिर में इधर अफगानिस्तान सेना पुलिस किंबा सरकार काम करुवा प्रत्येक व्यक्ति वर्तमान तालिबान को टारगेट रेमान खोजी खोजी आतंकी माने हत्या करहम्मद मामू को अफगानिस्तान सेवा कर मूल्य निज जीवन को हर पड़ी वो क्या मर गया वो मेरा मामा एक उसका तालिबान मार दिया तालिबान ने मार दिया कैसे मारा एक महीना होगा क्या एक महीने पहले मारा आपके मामा को कैसे वो आर्मी आर्मी था ना वो आर्मी था डॉक्टर भी था हाँ तो कैसे मारा मामा को क्या हुआ था वो पूरा वाक्य बताइए वो भी आर्मी था इसलिए वो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा था ना मेरा मामा इसलिए तालिबान लोग इसको 5 गोली मार दिया अब एक डेढ़ महीने पहले शहीद हो गया वो इसलिए तो मेरा और मामा जो है ना अफगानिस्तान पे वो ये कह रहा कि हम भी अगर हमारे लिए भी मौके मिल गया तो हम भी या तुर्की या ताजिकिस्तान या इंडिया पे आएंगे अब पता नहीं उनका फ्यूचर क्या हो जाएगा हमारा फ्यूचर तो अभी तक पता नहीं कैसा है तीन वर्ष होला दिल्ली में रहुतबा अहमद एवं तांकर भौणी को सेमानक भविष्य अंधार देखा जाउछि दुई जन एबे भारत किंबा अन्य देश रे शरणार्थी हेबाकु चाहुछन्ति किंतु कोनोसे भी परिस्थिति रे सेमाने अफगानिस्तान फेरिबाकु चाहुनांति एहा केवल अहमद किंबा मुस्कानक सह घटी नाही सेठी रहुतबा एवं अफगानिस्तान छाडीतिबा प्रत्येक अफगानी नागरिकक सह एभली भयंकर कांड घटाई तालिबान तालिबान एवं परिवर्तित होता नहीं जिते कहले भी अफगानी नागरिक आदौ विश्वास करूनाने जहां सबू तालिबानी निर्यातना भोगी देश छाड़ा पर भूली पार ना तालिबानी बर्बरता देखा किंवा शुण्वापर से कौन स्थित समर्थन करने सारा विश्वप असंभव रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया।